नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम HPGPT टेट 2020 का GK पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने पिछले भाग में साइकोलॉजी का पार्ट सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल थ्योरीज ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 5। इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और कुल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? इसका सही जवाब है बी 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण विस्तार है? इसका सही उत्तर है डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ है? दोस्तों यह झील राजस्थान में है और यह है एक खारे पानी के झील है जो काफ़ी बड़ी है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शांता कुमार। दोस्तों शांता कुमार हमारे 2 बार CM भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है 1945 में, 6 अगस्त 1945 और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब है सी सुनील अरोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है डी Ca(SO4)1/2H2O। हमारा अगला प्रश्न है, जल स्थलचर कौन सा है? सही जवाब है ए मेंढक। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? इसका सही जवाब है डी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव में ध्वनि की श्रवणता होती है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही जवाब है अशोका ने। प्रश्न नंबर 132, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है फॉर्मिक अम्ल। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? इसका सही जवाब है दोस्तों 78%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है जो कि सबसे ज़्यादा है। चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? चूना पत्थर से दोस्तों सीमेंट बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है सी सीमेंट। अगला प्रश्न है, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों इरावती। अगला प्रश्न है, 1857 का विशाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है डी मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों सी डिक्की डोलमा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही जवाब है गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। और अगर इसमें प्राकृतिक झील पूछी जाए तो वो है रेणुका झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो दोनों ही क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। दोस्तों इसमें कर्णम मलेश्वरी जो है वो भोरोत्तोलन खेलती हैं, बाकी सब के आगे उनके गलत मिलाप का वो दिया गया है। जैसे ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन खेलते हैं, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलते हैं, मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सही उत्तर है ए जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी 7.4। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान जो शुरू किया वो ग्वालियर से शुरू किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों डी विटामिन डी। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है?
दोस्तों ये जो ऊपर की तीनों कोर्स ए बी सी दिया गया है, तीनों एक ही जगह पर हैं, तो इसका सही उत्तर है टशीगंग। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब है सी, राइबोफ्लेविन। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों यह है राजस्थान के अजमेर ज़िले में किया जाता है। पुष्कर नामक एक जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2010 में इसका शिलान्यास किया गया। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसमें एक गलत लिखा गया है, जर्मनी। जर्मनी सही है इसका। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त कौन थे? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, टी वी आर टाटाचारी।